हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम आप लोगों के सामने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हम आपको बताने आए हैं। कुछ बच्चों का जो है डिमांड थी कि सर जी इसमें जो है गाल्गी अपरेटस को बताया जाए और लाइसोसोम को बताया जाए, तो आज हम आपको गाल्गी अपरेटस और लाइसोसोम के विषय में बताएंगे। थोड़ा सा ये बहुत लंबा सिलेबस हमारा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आपको गाल्गी अपरेटस और लाइसोसोम के विषय में आज हम आपको बताएंगे। क्लास नाइन्थ के बेस का एक क्वेश्चन है। क्लास नाइन्थ में जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल, सेल उस सेल से रिलेटेड ये लेसन है, ये क्वेश्चन है। गॉल्गी बॉडी सेल ऑर्गेनेल्स है, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल्स है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं गॉल्गी बॉडी के विषय में। तो गॉल्गी बॉडी, ध्यान रहे सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, गॉल्गी बॉडी की खोज जो है वो कैमिलियो गॉल्गी ने किया था। कैमिलियो गॉल्गी ने इसकी खोज किया था, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि कैमिलियो गॉल्गी ने इसकी खोज 1898 में किया था, 1898 में, और अपने ही नाम पर इसका नाम उन्होंने अपने ही नाम पर गॉल्गी बॉडी है, गॉल्गी अपरेटस का नाम रख दिया जो है गॉल्गी अपरेटस। जो कैमिलियो गॉल्गी ने अपने ही नाम पर इस बॉडी को जिसको उन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम रखा गॉल्गी अपरेटस। ठीक, गॉल्गी अपरेटस। इस गॉल्गी अपरेटस के मोस्टली दो पार्ट होते हैं, एक को सिस पार्ट या सिस फेज कहा जाता है, दूसरे को ट्रांस फेज कहा जाता है। एक को हम सिस फेज कहेंगे, दूसरे को ट्रांस फेज कहेंगे। आइए देखते हैं गॉल्गी बॉडी में सिस फेज और ट्रांस फेज कहां होता है। ध्यान दें कि गॉल्गी बॉडी यह सभी प्लांट सेल, एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, स्पर्म सेल में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोट, स्पर्म सेल, मैमल्स के आरबीसी, ध्यान से देखिएगा, मल्स के आरबीसी में ये एब्सेंट होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, मैमल्स के आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते। और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे, दूसरा मैंने बताया जो है मैमल्स के आरबीसी में नहीं पाए जाएंगे, और प्रोकैरियोट्स मैमल्स का आरबीसी हो गया, इसमें ये मोस्टली नहीं पाए जाएंगे। स्पर्म सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा कि ये मैमल्स आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, स्पर्म सेल में एब्सेंट होते हैं, यहां पर ये बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। और अगर ये पाए जा रहे हैं तो कहां पर पाए जा रहे हैं, इनको छोड़ करके, मैमल्स के आरबीसी को छोड़ करके, प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ करके, स्पर्म सेल को छोड़ करके, इनको छोड़ करके बॉडी के हर पार्ट में इनका जो है पाना उपद्रव निश्चित होता है, जरूरी होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। यहां पर अब आप देखेंगे गॉल्गी बॉडी को अगर हम स्ट्रक्चरली बेस्ड ऑन करें, तो यहाँ पर ये हमें बताया कि इसके हम दो फेज, पहले बताया हमने कि गॉल्गी बॉडी के दो फेज होते हैं, एक को हम कहते हैं कि सिस फेज है, दूसरे को हम कहते हैं कि ट्रांस फेज है। एक को हम कहते हैं सिस फेज है, दूसरे को कहते हैं ट्रांस फेज है। सिस फेज वह फेज होती है जो कि एकदम सामने की इस अवस्था में हो और वो कंस्ट्रक्टेड फेज हो। कौन सी फेज हो, जो है कंस्ट्रक्टेड फेज हो। ट्रांसफेज को बोला जाएगा को लॉग जो है, इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इस समझ में आ जाएगा आपके। अगर ये शुरुआत से हम लें स्ट्रक्चरली, देखिएगा, ये देखिएगा आप लोग, ये ट्यूब्यूल बन रही है, यहां पर ये ट्यूब्यूल बन रही है, नलिका,
तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ सामने का भाग आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पतला है, बेस से यहाँ पर ये चौड़ा हो गया है। क्लियर? यहाँ का ये बेसल पोर्शन जो होता है ये चौड़ा हो गया है, इसको हम बोलेंगे सिस फेस या एसी सिस फेस, और यहां पर इसको बोलेंगे ट्रांस फेस। ट्रांस फेस तो दो फेस हो गए, एक को सिस फेस बोला गया, एक को ट्रांस फेस बोला गया। ध्यान से देखेंगे तो और ये सब जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं यही जो जब लार्जेस्ट अमाउंट में आते हैं, लंबी अवस्था में आते हैं, ये टूट जाते हैं यहां से, ऐसे इजीली ये कंस्ट्रक्ट बिगेन करते हैं, एक संकीर्ण शुरू जो है स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन, यहां पर ये बिगेन करेंगे इस तरह से, इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन बिगेन करते हैं इस तरह से, और ये टूट टूट करके छोटे 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 जो है वेसिकल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसका ये पार्ट हो गया, गाल्गी बॉडी का वेसिकल ये पार्ट हो गया, तो यहां पर इसको बोला जाएगा वेसिकल। वेसिकल जबकि ये ब्रेक करते हैं, गाल्गी बॉडी जब लार्ज अमाउंट में आती है तो ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि इसने वेसिकल का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? वेसिकल का फॉर्मेशन किया। तो गाल्गी बॉडी एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर देती है, और इनको जो है जो पतली पतली लाइनें आप देख रहे हैं, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये देखिएगा ये लाइन इसको हम एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, ट्यूब्यूल बोलेंगे। ट्यूब्यूल्स नलिकाएं हो गई, पतली पतली नलिकाएं हो गई, ये ट्यूब्यूल हो गए, और यहां पर ये वेसिकल हो गया, एक ट्रांसफेस हो गया, और ये सिस फेज हो गया। तो इस सिस फेज और ट्रांसफेस को मुख्य रूप से जो है डिस्कस किया गया था, कि सिस फेज और ट्रांसफेस को मुख्य रूप से डिस्कस किया गया था उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, और मैंने इसकी हिस्ट्री में बता ही दिया कि कैमिलियो गॉल्गी ने इसकी इसको जो है डिस्कवर किया था, और 1898 में। ये हिस्ट्री हो गई, और मैंने इसके प्रोसेस में आपको बताया कि ये स्पर्म सेल, मैमल्स, आरबीसी और प्रोकैरियोट्स, इन सेल जो है सेल्स को छोड़ करके अन्य जो है सेल, जो कोई सेल के पार्ट में जो कोशिका अंग के रूप में ये विद्यमान होते हैं, और अपना फंक्शन बहुत ही तेजी के साथ है। अभी हम फंक्शन आपको नोट करा देते हैं, लिखवा देते हैं, बता देते हैं इसके फंक्शन क्या क्या होंगे। तो पहले आप इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा, तो ये बीच का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बीच का स्ट्रक्चर ये पूरी तरह से ये पैक्ड होता है, इस तरह से ये पैक्ड होता है, और यहाँ पर एक बीच में से लेयर जैसी बनी हुई होती है, इस तरह से बीच की एक लेयर होती है, और इस तरह से आप देखेंगे कि ये स्पेस कवर करता है जो सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और यहां आप देख रहे हैं कि यहां से जो अपने ये वेसिकल को प्रोसीड करता है, इसको ये सेल के आउटर मोस्ट पार्ट तक, मीन्स आउटर लेयर तक लेकर के जाता है, और वहां से ये ज्वाइंट हो जाता है, वहां से एसोसिएट हो जाता है, कंज्वाइंट हो जाता है, बच जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक विशेष प्रकार की संरचना के साथ जुड़ा हुआ, और इसको ट्यूब्यूल नाम हमने दिया, ट्यूब्यूल नाम ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, और यहाँ पर गाल्गी ग्रैन्यूल्स हो गए, जिनको हमने ग्रैन्यूल्स देखा भी आपको, जो वेस्किल का फॉर्म लिए, गाल्गी ग्रैन्यूल्स बोला जाता है इनको, गाल्गी ग्रैन्यूल्स बोलते हैं इनको, इनको हम गाल्गी ग्रैन्यूल्स बोलते हैं इनको, ये गाल्गी ग्रैन्यूल्स हो जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, और दो फेजेस मैंने बताया, एक को हमने कहा है ट्रांसफेज होता, दूसरे को मैंने कहा ये सिस फेज होता। अब आप देख लीजिए इनका फंक्शन क्या होता है, एक बार इनका फंक्शन स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, इनके पार्ट क्लियर हो गए, इनकी हिस्ट्री क्लियर हो गई, अब इनके फंक्शन को देखते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। आप लोग जो है इसको नोट करते चलिएगा, तो अदरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो आप नोट करेंगे फंक्शन ऑफ गाल्गी एपरेटस। फंक्शन ऑफ गाल्गी एपरेटस
फंक्शन ऑफ गॉल्गी अपरेटस। फंक्शन इसका फर्स्ट फंक्शन नोट करते हैं, इसका पहला फंक्शन जो फंक्शन ऑफ गॉल्गी अपरेटस, इट हेल्प्स टू द रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ब्रोकन, यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है, फट जाती है, तो यह उसको मेंटेन करता है, उसमें हेल्प करता है, सहायता करता है उसको जोड़ने में, जो ब्रेक्स हुई है उसको कंज्वाइन करने में, एसोसिएट करने में ये हेल्प करता है। सपोज दैट प्लांट की सेल है, एनिमल्स की सेल है, कोई सेल है और आपने उसको काट दिया या कट गई, किस तरह से ब्रेक कर गई, टूट गई, फट गई, उसको ये जोड़ने का काम आसानी पूर्वक जो है गॉल्गी अपरेटस कर देता है। तो आप पहला पॉइंट नोट करेंगे, इट सिंपली हेल्प्स, इट सिंपली हेल्प्स टू द रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिपेयर ऑफ सेकेंड रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पोर्शन देखिए, अभी आपने जो आउटर साइड में देखा कि लाइसोसोमिंडो सॉरी गॉल्गी बॉडी के या गॉल्गी अपरेटस के साइड में आपने देखा कि गोली गोली संरचना जिसको हमने वेसिकल नाम दिया, तो वही वेसिकल धीरे धीरे मेच्योर होकर के परिपक्व होकर के कन्वर्ट हो जाती है लाइसोसोम में, मींस इट्स फॉर्म या लाइसोसोम, इट्स फॉर्म व्हाट इज दिस लाइसोसोम। तो अब हम इसको बोलेंगे कि इट हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सेकेंड हो जाएगा इट हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्लियर, इट हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब हम इसके थर्ड कैरेक्टर को देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट। अब हम इसके थर्ड कैरेक्टर को देखेंगे, it also be helps what Golgi apparatus, it also be helps the formation of yolk of the egg। यह अंडों की जर्दी को बनाने का कार्य करता है, उससे जो पीतक होते हैं अंडे के अंदर, तो अंडे को कभी आपने फोड़ा होगा तो देखा होगा उसमें येलो कलर के पार्ट मिलते हैं, तो उनके फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं गॉल्गी बॉडी। इट हेल्प्स टू द फॉर्मेशन ऑफ yolk of the eggs, yolk of the eggs। तो एग्स के यल के जो है, एग्स के यल के फॉर्मेशन ऑफ यल, इस तरह से आपने देखा कि इनके वर्क हो गए, इनका मेन वर्क होता है ट्रांसपोर्ट का, फूड मटेरियल को जो ये फॉर्म करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करते हैं। मटेरियल्स अंडर वर्क के रूप में आपने देखा, इट प्रोवाइड टू मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल। इट्स प्रोवाइड टू द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, इट्स प्रोवाइड टू द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये इनका फंक्शन हो गया। और आइए इसी समय हम आपको दूसरा पार्ट बताते हैं, ये तो गॉल्गी अपरेटस के विषय में रहा है, आइए दूसरा पार्ट देखा जाए। इसका दूसरा पार्ट होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका ओनली बी नोन एज सोसाइटल बैग,
लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसको हमने कहा आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इट्स आल्सो बी सिंपली कॉल्ड सोसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसे सामान्य रूप से कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। व्हाई, क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम इज वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल। इसके बाद ऊपर की साइड में आप देखेंगे एक जो है रेड कलर की लेयर होती है और उसके ऊपर एक बहुत ही पतला सा थिन मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से पतली सी झिल्ली होती है, इस तरह से पतली सी झिल्ली होती है, ऐसे ही होता लाइसोसोम। ये स्ट्रक्चर हो गया लाइसोसोम का, लाइसोसोम का, जिसको नाम, जिसका नाम मान दिया सोसाइडल बैग। क्या नाम दिया गया? सोसाइडल बैग, सोसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। क्यों कहा गया इसको? इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा गया कि एक सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, एक सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल इंटर करते हैं, सारे टॉक्सिक मटेरियल को ये जो है एडॉप्ट करता जाता, लेता जाता, लेता जाता, ग्रहण करता जाता, सेल को इफेक्टेड नहीं होने देता। मींस इट्स प्रोवाइड टू द मोस्टली सपोर्ट ऑफ द सेल, या कोशिका प्रोवाइड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्स, या सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कोशिका को एक जो है सुरक्षा प्रदान कर रहा है, किससे? टू टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक मटेरियल से, एक विषाक्त पदार्थों से कोशिका की सुरक्षा कर रहा है। जैसे कोई टॉक्सिक मटेरियल इंटर करता है, ये इसको ले लेता है अपने बॉडी के अंदर, इसको बॉडी के अंदर ले लेता है और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर, एक्जोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी से बाहर, एक्जोसाइटोसिस के थ्रू इसको बॉडी से बाहर कर देता है। अगर एक्जोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी से बाहर कर देगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं कर पाया तो क्या करेगा? यदि एक्जोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर नहीं करेगा तो ये इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, टॉक्सिसिटी इसकी बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? टॉक्सिसिटी इसकी इंक्रीज करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर जाएगी ऐसी कंडीशन में तब ये रप्चर कर जाता है, फट जाता है, ऐसे ब्रेक कर जाएगा, इस तरह से ये रप्चर कर जाता है, फट जाता है। और जब ये फटेगा तो ये टॉक्सिक मटेरियल इसके क्या करेंगे? पूरी तरह से सेल में अंदर आकर के फैल जाएंगे। जब ये फटेगा तो टॉक्सिक मटेरियल पूरी तरह से कोशिका में आकर के बिखर जाएंगे। और कंडीशन क्या प्रोवाइड करेगा? कंडीशन ये प्रोवाइड करेगा कि जब ये कोशिका में आकर के बिखर जाएंगे तो पूरी की पूरी सेल ही क्या करेगी? डैमेज हो जाएगी। अर्थात स्वयं तो ये डेट करेगा ही, लाइसोसोम सोसाइडल बाय स्वयं तो ये मरेगा ही, लेकिन अपने साथ ही साथ यह उस सेल को भी मार देता है जिस सेल के अंदर यह पाया जाता है। ध्यान रहे कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, लाइसोसोम प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, यूकैरियोट्स में इनको आसानी पूर्वक देखा गया, यूकैरियोट में इनको आसानी पूर्वक देखा गया, यह प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाएंगे। और एक्जोसाइटोसिस का अक्सर मैंने बताया, ये टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालते हैं, उनको लेते भी हैं, उनको बाहर भी निकालते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, जैसे सेल वॉल हो गई, अभी आपको मैं बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, इस तरह से पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस एक्शन के थ्रू ये सेल वॉल है, कोई टॉक्सिक मटेरियल आया तो इसको आसानी पूर्वक बॉडी के अंदर इस तरह से ले लिया गया। अरे बॉडी के अंदर लिया गया
धीरे धीरे ये फिर जो है ये यहाँ से कंस्ट्रक्शन बिगेन करेगा, ये संकीर्ण शुरू करेगा और यहाँ से ये टूट करके अलग हो गया, ये देखिएगा वैसे किले बाड़ी के रूप में फॉर्म हो गया और यहाँ पर आकर धीरे धीरे जुड़ जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते बढ़ते अब क्या करेगा कि ये जाकर के पूरे सेल को डैमेज कर देगा, टॉक्सिक मटेरियल को एंटर कर रहा है, या फिर ऐसा कर सकता है। जरा इसका दूसरा बार देखिएगा, यहाँ पर आपने देखा कि ये गॉल्गी बॉडी पाई गई, गॉल्गी बॉडी हो गया है, ये गॉल्गी बॉडी हो गई, गॉल्गी बॉडी का ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये पार्ट इसके टिप्स के पार्ट आप देख रहे हैं, गोले हैं, ब्लंट हैं, मुथरे हैं, और ये यहीं से कंस्ट्रक्शन बिगेन करके संकीर्ण शुरू करके ये अलग हो जाते हैं, यहां से ये अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं, तो यही अलग हो करके वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लाइसोसोम में, किसमें कन्वर्ट होते हैं, लाइसोसोम में। और ये लाइसोसोम में जब कन्वर्ट हो गया तो लाइसोसोम में कन्वर्ट होने के बाद ये आसानी पूर्वक के सेल के अंदर ये है, और अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर आया, टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर आया तो उसको ले लिया, ले लेने के बाद धीरे 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 ये बॉडी से बाहर की तरफ, सेल में बाहर की तरफ आना स्टार्ट करते हैं, सेल में बाहर की साइड में आना स्टार्ट करेंगे, आउटसाइड में आना स्टार्ट करेंगे, और जब ये आउटसाइड में आना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जब ये सेल में आउटसाइड में आना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से बाहर से पहुंच करके ये सेल वॉल से आकर के अटैच हो जाते हैं, और सेल वॉल से जैसे अटैच होते हैं फिर यहां से इस तरह के सेल वॉल को ब्रेक करते हैं, और सेल के अंदर से, सेल के अंदर से ये अपने मटेरियल को धीरे 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 टॉक्सिक मटेरियल को धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। तो टॉक्सिक मटेरियल क्या हो गया, यहां से बाहर हो गया, आउट हो गया, टॉक्सिक मटेरियल बाहर हो गया यहां से। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो, यदि लाइसोसोम ऐसा नहीं कर पाया, ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिक मटेरियल इसके बॉडी के अंदर इंटर कर गए तो फिर क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में अगर टॉक्सिक मटेरियल इंटर कर जाएंगे तो ये इसी के अंदर ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, फट जाएगा, इसी के अंदर ब्रेक कर जाएगा, इसी के अंदर जब इसके अंदर ये ब्रेक करेगा तो टॉक्सिक मटेरियल पूरी तरह से स्कैटर बिखर जाएगा पूरी पूरी सेल में, तो स्वयं तो डेड होगा ही, स्वयं तो मरेगा ही, साथ ही साथ पूरी पूरी सेल को क्या करता है, ये डैमेज कर देता है, पूरी पूरी सेल को ये क्या करता है, मार देता है। क्लियर, क्लियर रहा लाइसोसोम का प्रोसेस फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, गॉल्गी बॉडी के द्वारा होता है। फंक्शन क्या है, टॉक्सिक मटेरियल को एडॉप्ट करना, चाहे वो सिंथेसिस के थ्रू टॉक्सिक मटेरियल बना हो, या सेल ने टॉक्सिक मटेरियल को गागल किया हो पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस के थ्रू, एनी वे किसी भी कंडीशन से अगर टॉक्सिक मटेरियल इसके बॉडी के अंदर आया तो टॉक्सिक मटेरियल को एडॉप्ट करने का वर्क हो जाता है गॉल्गी जो है लाइसोसोम का। लाइसोसोम ने टॉक्सिक मटेरियल को ले लिया और लेने के बाद अब ये बाहर इसको निकालेगी, इसका वर्क है एक्सोसाइटोसिस का काम करना, बाहर की तरफ निकाल देना, और ये आउटसाइड में इसको लेकर के आएगी, धीरे धीरे लेकर के आएगी और यहां पर आकर के सेल वॉल से आकर के अटैच हो जाएगी, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला गया, को जो है कोशिका झिल्ली बोला गया, सेल मेम्ब्रेन बोला गया, ये सेल मेम्ब्रेन बोला गया, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जा रहा है, कोशिका झिल्ली से आकर अटैच हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन से आकर अटैच हो जाती है और धीरे सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद ये अपने टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल देती है। अगर टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने में ये सफल हो जाती है तो सेल को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी जो है सेल के लिए कोई हार्मफुल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। यदि नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, यदि नहीं कर पा रही है तो इसी सेल के अंदर ये क्या करती है, रप्चर कर जाती है, ब्रस्ट कर जाती है, फूट जाती है, जिससे टोटल टॉक्सिसिटी इसके अंदर जो है वो बिखर जाती है, वो जो है विषाक्तता इसके अंदर फैल जाती है। जब ये जो टॉक्सिक मटेरियल इसके अंदर है जब ये स्वयं डेड करेगा, ब्रस्ट करेगा, समाप्त होगा, जब टॉक्सिक मटेरियल पूरे सेल के अंदर जो फैल जाएगा, जब ये पूरे सेल के अंदर फैल जाएगा तो पूरी सेल को क्या करता है, ये डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। इसलिए हमने ये कहा कि जो है लाइसोसोम इज कॉमनली बी नोन एज सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। क्लियर, अगर किसी ने पूछा कि आत्महत्या की थैली कोशिका के किस अंग को कहा जाता है तो आप क्या बोलेंगे, लाइसोसोम इज द सिंपली बी नोन एज सोसाइटल बैग ऑफ द सेल।
कोशिका में आत्महत्या की थैली को लयनकाय कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। माने लयनकाय उसकी हिंदी है, लाइसोसोम की हिंदी लयनकाय। लयनकाय को जो है यह उसकी आत्महत्या की थैली बोला जाता है, सोसाइटल बैग बोला जाता है। इस तरह से आपने देखा या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, सेल को टॉक्सिसिटी इंक्रीज करने से बचा ले रही है, सेल को डेड होने से बचा ले रही है। हाँ, यदि कंडीशन डैमेज हुई तो ये स्वयं जब डेड करेगी तो पूरी की पूरी सेल को ये डेड कर जाएगी, पूरी की पूरी सेल को ये मार देती है। लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं और डेवलपिंग सेल्स में पाई जाती हैं, वहां पर ये अपना फंक्शन आसानी पूर्वक दिखाई देती है। और एक कंप्लीट सेल आरबीसी में भी ये अनुपस्थित देखी गई। इस तरह से आपने देखा कि हमने एकादमी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आज हमने आपको दोनों टॉपिक लिए, दोनों बहुत ही सूक्ष्म टॉपिक थे, बच्चों का रिकमेंडेशन था, इसलिए मैंने कहा ठीक है इसको हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एक जो है गॉल्गी अपरेटस आपने देखा और दूसरा आपने देखा लाइसोसोम। ये बहुत ही सिंपल क्लास 9th की स्टैंडर्ड, और अगला टॉपिक हमारा जो है फिर आपको नेक्स्ट डे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 9th स्टैंडर्ड ही नहीं मान के चलिएगा आप लोग, इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। ये सेल बायोलॉजी में है, और सेल बायोलॉजी आपने पता क्या आप पढ़े आप जानेंगे, और आप सेल बायोलॉजी ये ग्रेजुएशन तक चलता है, माने बीएससी लेवल तक चलता है सेल बायोलॉजी। तो यहाँ पर आपने देखा कि 9th में आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल से आपने भी लर्निंग करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया है। अभी आप 11th में आएंगे तो सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा, सेल का फॉर्मेशन किस तरह से डिवाइड होती है किस तरह से हमने ही आपको आगे बताएंगे अपने अगले लेक्चर में। तो वहां से फिर आगे बढ़ेगा, तो ये किस तरह से जो है इसकी एक बुक्स बन जाती है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में आप जाएंगे तो वहां पर जो है फिर इस भी आपको इसको पढ़ना पड़े, लेकिन स्टार्ट इसका जो क्लास 9 के बेस से होता है। तो आज हम फिर एक बार आपसे कहेंगे कि आप पाजी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से ये जो कुछ सीख रहे हैं आप लोग आसानी पूर्वक इसको सीखते जाइएगा। यदि कोई टॉपिक फिर भी नहीं समझ में आता है, अगर कोई टॉपिक किसी टीचर ने छोड़ दिया है, नहीं बताया है, तो आप प्लीज़ जो है हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उनको बताइएगा, और वहाँ पर जो है जो भी टॉपिक आपकी समझ में आया उसको आप लोग पूछिएगा। हम जरूर आपको जो है अपने इस चैनल के माध्यम से, कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो एक बार फिर हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप जितना से जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे टॉपिक्स आपको बताते चले जाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। ओके, बाय।